Let's improve English. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स इंप्रूव इंग्लिश। आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेसन लेकर, जिसमें मैं आपको फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जिन्हें हम यूजुअली बोलते रहते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे इस बात की हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सा है। टेबल पर से सब कुछ हटा दो। स्वीप एवरीथिंग ऑफ द टेबल। स्वीप एवरीथिंग ऑफ द टेबल। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं ना कि अब साफ करने का टाइम नहीं, जो भी टेबल पे रखा है ना सब हटाओ, मुझे टेबल एकदम साफ चाहिए। स्वीप एवरीथिंग ऑफ द टेबल। दोस्तों इस तरीके से हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। ये ऑफ यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी है वो टेबल पर से हट जाएगा। स्वीप एवरीथिंग ऑफ द टेबल। टेबल पर से सब कुछ हटा दो। तुम उसके पास मत जाना, तुम शायद उसे नाराज कर दोगे। डोंट गो टू हर। I think you would upset her. Don't go to her. I think you would upset her. Upset मतलब उदास कर देना होता है। Upset adjective भी होता है और यहाँ पर verb की तरह use हो रहा है। I think you would upset her. मतलब मुझे लगता है कि तुम उसे नाराज कर दोगे। तुम मेरे बाकी दोस्तों से अलग हो। कभी कभी हम बोलते हैं इस तरह की बात, तो हम कहेंगे You are different than my other friends. You are different than my other friends. कि तुम मेरे दूसरे दोस्तों से अलग हो, डिफरेंट हो। तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की। हम बोलते हैं ना कभी कभी किसी को ये, तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की, अब कर रहे हो। Why didn't you talk to me before? Why didn't you talk to me before? पहले तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है फ्रेंड्स। लगता है मैं इस प्रॉब्लम से कभी नहीं निकल पाऊंगा। कभी कभी दोस्तों हम हताश हो जाते हैं और इस तरह की बात करते हैं, लगता है मैं इस प्रॉब्लम से कभी नहीं निकल पाऊंगा। आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल। आई थिंक आई विल नेवर बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल। लगता है इस ट्रबल से, इस मुसीबत से मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं कब सो गया। आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई फेल अस्लीप। आई डोंट रिमेम्बर यानी कि मुझे याद ही नहीं है। When I fell asleep यानी कि मैं सो गया। मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैं कब सो गया, कब आंख लग गई। मुझे नहीं लगता कि कभी मैं इसे भूल पाऊंगा। कोई चीज ऐसी होती है जब हमें लगता है कि ये तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ हो गया। आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दैट। आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दैट। एवर मतलब कभी भी। दोस्तों इस बात पर ज्यादा जोर डालने के लिए लोग इसको एवर वर्ड को बार बार रिपीट भी करते हैं कभी कभी। आई डोंट थिंक आई विल एवर एवर फॉरगेट दैट। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी भूल पाऊंगा इस बात को। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी तुमसे मिल पाऊंगा। आई डोंट थिंक आई विल एवर एवर बी एबल टू मीट यू। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। टीयर्स बिगिन टू फॉल डाउन हिज आईज। टीयर्स बिगिन टू फॉल डाउन हिज आईज। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन मतलब शुरू हो गए। टीयर्स आंसुओं को कहा जाता है। टीयर्स बिगिन टू फॉल गिरने लगे। डाउन हिज आईज यानी उसकी आंखों से नीचे आंसू गिरने लगे। इस तरीके से इस बात को कहा जाता है। दरवाजा बंद करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर। अपने खुद के सेंटेंसेस बनाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। Don't forget to make your own sentences. अपने खुद के sentences बनाना मत भूलना। दोस्तों इस तरीके के video lessons अगर आप future में भी देखते रहना चाहते हैं तो let's improve English को subscribe जरूर कीजिएगा। बात करते हैं next video lesson में, तब तक के लिए take care and bye bye.